हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहे हैं 8:50 और सबसे पहले मैं जैसे कि एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ तो अभी भी मैं एनसीईआरटी रीडिंग ही करूँगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी रीडिंग करना। आज की वीडियो मैंने थर्सडे को रिकॉर्ड किया था, बट जैसे कि आपको पता है अभी संडे बीत चुका है, मतलब टेस्ट हो चुका है। तो मैं आज आपको अपना टेस्ट स्कोर भी बता दूंगी, जो संडे को मैंने टेस्ट दिया, मतलब जो अभी शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था उसका स्कोर भी बता दूंगी। सो हेयर आई एम डन विद एनसीईआरटी रीडिंग। तो अब मुझे करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मेरी जो DPP है कल वाली वो रह गई थी, क्योंकि मेरे घर पे अभी दिवाली का काम चल रहा है, मतलब पेंटिंग वगैरह चल रहा है, तो उस वजह से मेरा डिले हो गया था। तो मैं आज कर रही हूँ DPP। पहले तो मैंने फिज़िक्स का DPP सॉल्व किया, और फिर फिज़िक्स के DPP सॉल्व करने के बाद मैंने केमिस्ट्री का DPP सॉल्व किया, और फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे एक डाउट आया। और आप सबको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त डाउट आता होगा, तो मैं बताती हूँ इसका ईजी वे। तो मैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए यूज़ करती हूँ फिलो ऐप। इसमें क्या है कि आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप उसकी एक फ़ोटो क्लिक करो, और आपको ये विद इन 60 सेकेंड्स एक ट्यूटर से कनेक्ट कर देंगे, और वो ना बिल्कुल लाइव पढ़ा रहे होंगे, एक वीडियो कॉल होता है ना जैसे, वैसे ही। आपको अगर कोई स्टेप समझ नहीं आता है तो आप उनसे रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हो, और साथ में क्या है कि अगर आपको कुछ और भी समझना है तो आप उसी वीडियो कॉल में सर से वो चीज़ भी पूछ सकते हो। लाइक आप रिवीजन कर रहे थे और आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया हो तो आप उनसे उस वक्त वो चीज़ भी पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। आप ना टेक्स्ट के थ्रू भी पूछ सकते हो, और आप चाहो तो अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, और आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो। क्या होगा इसका जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ये बहुत ही पोर है, ठीक है ना। और अगर आपको वो टीचर पसंद आ जाते तो आप उनको मार्क एज फेवरेट कर सकते हो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी उनसे कनेक्ट हो सको। आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो फिलो RK100 तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा इस ऐप में नीट का मॉक टेस्ट भी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपको यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं। इसके अलावा इस ऐप में आपको PYQs भी मिल जाएंगे, वो भी मार्क्ड है कि हार्ड है कि ईजी है या फिर मीडियम लेवल का आया था। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस अब हो चुका है, तो अब मैंने सोचा कि मैं 15 मिनट्स का ब्रेक ले लूं, क्योंकि 2 घंटे का एक लॉन्ग स्टडी सेशन हो चुका था, तो फिर मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया। तो अभी हो रहे हैं 11:15, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना फिज़िक्स का लेक्चर। फिज़िक्स में मैं अभी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाले चैप्टर पे हूँ। आप सबको ये जानना था कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ फिज़िक्स के, तो आप देख सकते हो क्लियरली कि मैं पहले वीडियो पॉज करती हूँ और फिर पूरा क्वेश्चन नोट करती हूँ, और फिर ट्राई करती हूँ कि मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो इट्स ओके, और फिर सर तो करवा ही देते हैं सॉल्यूशन, तो फिर मैं सॉल्यूशन देख के लिख लेती हूँ। और मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ जितने भी सर लिखते हैं ना बोर्ड पे, वो सर बोर्ड पे जो सर अपना लेक्चर में लिखते हैं वो सारे मैं नोट करती हूँ। फिज़िक्स का लेक्चर लेने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लाइक 3 घंटे लग गए। मैं कहीं चली गई थी 15 मिनट के लिए बीच में, तो 2.5 घंटे लगे, और अभी मेरा लंच टाइम हो रखा है, तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने। तो लंच करके मैं आ चुकी हूँ, और अभी हो रहे हैं 3:15, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर। केमिस्ट्री में मैं थोड़ा सा सर से पीछे चल रही हूँ, लाइक 2-3 लेक्चर का मेरा बैकलॉग हो रखा है केमिस्ट्री में। मुझे समझ नहीं आता मेरा केमिस्ट्री में ही क्यों बैकलॉग हो जाता है, मेरा ना पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बिल्कुल प्यार नहीं है मुझे। मुझे फिज़िक्स अच्छी लगती है, मुझे बायो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। फिर भी मेरा इसमें जो भी बैकलॉग है मैंने डिसाइड किया कि जो संडे आने वाला है उस दिन मैं कंप्लीट कर लूँगी। केमिस्ट्री का लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में ले लिया था। उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया बायो का लेक्चर। बायो में मैं कर रही हूँ एनिमल किंगडम वाला चैप्टर, एंड सबसे खुशी की बात तो ये है कि मुझे ये चैप्टर याद हो चुका है, मतलब इतने अच्छे से याद हो गया है कि लगता है कि मैं कभी नहीं भूलूँगी, एंड टच वुड कि मैं इसे भूलूँ भी ना, क्योंकि इसमें जितने सारे
वो है ना एग्जाम्पल्स वगैरह और उसके साइंटिफिक नेम वगैरह भी है, वही में इम्पॉर्टेंट है याद रखना। और सारे फीचर्स बेसिकली मैंने इसको याद तो करा है, मतलब अपना बेस्ट दिया है, देखते हैं कि अब मुझे ये कितने टाइम तक याद रहता है। तो बायो का लेक्चर मैंने 2 घंटे ऑलमोस्ट लिया, फिर उसके बाद मैं चली गई डिनर करने। डिनर करने के बाद ऑलमोस्ट 8:45 पे मैंने दोबारा स्टडी स्टार्ट किया। और मैंने ना कितने दिनों से रोटेशनल मोशन रिवाइज नहीं किया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं भूल रही हूँ। और एक तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो इसके लिए मुझे हमेशा माइंड में डाउट रहता है कि नहीं मैं इस चैप्टर को भूल जाऊँगी, तो इसलिए ही ना मैं इसको रिवाइज़ कर रही थी ताकि मेरा ये डाउट चला जाए। वैसे तो ये चैप्टर टेस्ट में नहीं आ रहा था, बट मुझे जैसे लग रहा था कि मैं इसको भूल रही हूँ, तो मैंने इसको एक बार ही रिवाइज़ कर लिया। थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे जो सर ने नोट्स में करवाए हुए थे, वही क्वेश्चन सॉल्व करे। फिज़िक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद मुझे आज करना था डीपीपी, आज वाले जो मैंने पहले करे थे वो तो कल वाले थे डीपीपी, आज वाले डीपीपी रहते हैं मेरे, तो मैं अब वही कर रही हूँ। और पहले तो मैंने रिवाइज़ करा जो भी आज जितना भी सर ने करवाया, एनिमल किंगडम और फिज़िक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, सब मैंने पहले नोट्स रीड मारा सिर्फ ऊपर ऊपर से, और उसके बाद मैंने डीपीपी सॉल्व किया। और मेरा इसी तरह दिन एंड हुआ। उतना ज़्यादा भी प्रोडक्टिव नहीं था, क्योंकि जिस दिन मेरा प्रोडक्टिव होता है ना वो 13 आवर्स प्लस होता है, लेकिन आज मैंने सिर्फ 12 घंटे ही पढ़े, तो इट्स ओके, लाइक ओके ओके वाला था। कितने दिन तो मैं 11 घंटे भी नहीं पढ़ पाती हूँ, 12 घंटे भी नहीं पढ़ पाती हूँ। सो अब मैं आपको बताती हूँ मेरे टेस्ट रिज़ल्ट जो इस संडे को मैंने दिया था। तो मैंने स्कोर किया है 152 मार्क्स आउट ऑफ 192। एंड सबसे अच्छी बात जो आज के टेस्ट की है वो ये है कि मैंने फिज़िक्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है, लाइक मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है फिज़िक्स में। केमिस्ट्री में मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दी, एक तो वैसे ही मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो केमिस्ट्री में मेरे 5 क्वेश्चंस गलत थे। बॉटनी में मेरा एक ही गलत हुआ था, एंड जूलॉजी में मेरे 2 गलत हुए थे, तो मेरे 38 मार्क्स थे। तो फिज़िक्स के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बाकी में तो गलत हुए, तो वो मैं टेस्ट एनालिसिस मैंने किया फिर उसके बाद। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपके टेस्ट में कितने स्कोर आए थे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो कीप स्टडिंग एंड बी मोटिवेटेड। बाय।